हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। समय है रात के 12:05, बस थोड़ी देर में अंग्रेजी में खबर। आपने कभी सोचा है कि लोग गर्मियों में डिवाइडर पे क्यों सोते हैं? जब गाड़ियाँ जब बगल बगल से चलती है तो बहुत तेज़ हवा लगती है और इससे मच्छर नहीं काटते। तो अगर दिल्ली शहर में डेंगू मलेरिया से बचना हो तो डिवाइडर पे सो। दिल्ली में लोग चलाओ ढंग से बहुत ही जगह सोते हैं, फ्लाईओवर के नीचे, खाली पाइपों के अंदर, शटर गिरने के बाद दुकानों के बाहर, गैराज में खराब गाड़ियों के नीचे और ट्रकों के ऊपर, ऐसे बहुत से जगह लोग सोते हैं। ये शहर पूरा नींद पर ही बटा हुआ है। कौन कितना दौलतमंद है, ताकतवर है, इसे जानने के लिए आप उसके नींद पे गौर करो। अच्छी और टिकाऊ नींद ढूंढने के लिए लड़ाई हर वक्त चलते रहती है। पूरी सर्दी काटनी हो तो उसके लिए जगह मालूम होना चाहिए। कौन सा पार्क में लकड़ी के बेंचों पर गेप कम हो, गत्ते को कैसे मोड़ना है और जानवरों का कलेजी पोटा कहाँ सस्ता मिलता है जिसे खाकर शरीर में गर्मी बनी रहे। अगर किसी पर कब्जा करना है ना तो उसे कभी सोने मत दो। आजाद वही है जो अपनी मर्जी से सोए या जागे। Thank you.
गिर गया भाई, लोहा गिर गया। यही सही वाले चारपाई है, 40 रुपए वाले। जमाल भाई ने आज वादा किया था कि मुझे सस्ते में देंगे। अपन भैया रेनबो सेल में बैकअप तो रखना ही पड़ेगा ना, पर नफरत है भैया मुझे सेंटर से। अबे चल ना तेरी माँ, साला लड़ बजा दूँगा मैं। खड़ा है ना, लट। अबे कंबल ले जा, वो जंगली नस्ल। चल बजा। पीछे से पीछे कर से, भैया पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ जा। इसे पीछे कर। मैं मेरे को यहाँ सुला दो, लफ्सा हो जाएगी। मैं दो आदमी और हैं। चाचा नीचे से कंबल लूँ क्या? हाँ ये तो डालो बेटा, ये जी भाई। चप्पल तो दे दे, शरीफ इंसान की चप्पल दे दे भाई मेरे, तू ही तो पहना हुआ है। मैं भी आ रहा हूँ, लड़का तू यार। भाई चप्पल कौन ले गया बे? बता चप्पल लेके चला गया। अरे मैंने अभी जस्ट उतारा नहीं, यहाँ पर उतार कर मैं तुम्हारे पास आ गई। जी हमारे हमारे कह रहे तू मेरा चप्पल। चल कोई बात नहीं भाई, हो जाती। अरे वो चप्पल तो पहन के आया भाई इसके, इधर आ। यार मैं तो कर जाऊंगा यार, मेरे को बता दे मेरे भाई मैं क्या कर सकूं, कदम में जूते उतार दूं अपना। नहीं नहीं जाएगा, आप क्यों उतारोगे? बोला जी हमारे को भी भाई जगह खत्म हो गया तो माफी चाहता हूं। हाथ जोड़ दो आज बता दिया, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मगर हमें वहां पे जाऊंगा सोने को बोलेगा कहां सोचा है तुम? आज होगा वहां पे फिर हमारे को यहां वापस भेज देगा वो। ऐसी ठंड है, चप्पल चोरी हो गया, इसीलिए जो है ना मुझे इस रेन बसेरे से नफरत हुआ। अगर माफ करता हूँ
बोले भाई दौड़ करेंगे हम, कौन जीता कौन हारे। वो खरगोश बहुत तेज भागा, बहुत तेज भागा, गर्मी पड़ रही थी, अब खरगोश का पसीना आ गए। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, बोले कछुआ तो बहुत पीछे रह गया, खरगोश को नींद आ गई। अब कछुआ चलता रहा चलता रहा चलता रहा, कछुआ ने भी कुछ नहीं बोला, बोले इसको सोने दो। और जहाँ तक की दौड़ थी कछुआ पहले पहुँच गया, खरगोश हार गया। तो इसीलिए है कि चलते रहना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। रुक जाओगे आराम करोगे हराम खुली लग जाएगी। हाँ भागते रहो चलते रहो बस, रुको मत। नहीं सोना तो पड़ता है, सोना जरूरी है। भूख लगेगी तो भाई कैसे नींद आ जाएगी। तो ऐसी ठंड है, चप्पल चोरी हो गया, इसीलिए जो है ना मुझे इस रेन बसेरे से नफरत हुआ। ऐ जवान भाई का तो यार कोई भरोसा ही नहीं है, मुंह धुआं तो देंगे मैं जो चार पाई दे तो फिर भगा देंगे। चार भाई बताओ बेटे इनको। हमने आपको बताया था कि दुनिया बाकद्र मुकद्दर में रोजी है वो मिलनी है, चाहे वो 91 या 50। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नींद अपनी जगह बिल्कुल मोतबर है, और जब वो उसको आनी होगी तो वो कुछ नहीं देगा। नींद की जो आखिरी क्षमता है वो हमने पहचानी। सर्दियों में 5-7 हज़ार आदमी यहाँ सो जाता है, रैन बसेरा सिर्फ 20% आदमी को ही काबू कर पाएगा। वो कहते हैं इलीगल है, मगर खिदमत खल्क तो हम ही कर रहे हैं। पूरी रात हमारे आदमी जो हैं वो निगरानी करते हुए आप लोगों को जिलों की तरह टहलते हुए रहेंगे। देख रहा हूँ अपने दिल में, देखो आप तो देखते ही नहीं हो, कभी कभी बैठते हो। कितने दिन से मैं आता हूँ सलीम भाई में देखते हूँ, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। उसका दरबार उसी का है, खाली दरबार उसी का रहेगा जो उससे मोहब्बत नहीं रहेगा। चलो अगला टेंशन दो। फालतू फालतू बोल रहा है स्टेशन मेरे को बोला ना, ज्यादा मत बोला कर, थप्पड़ मार दूंगा मैं। सन 84 से मुलायम की नगर तक पुलिस वाले भी जाते हैं, उनका नाम। आप जाइए आराम से, नाला है कुछ क्या है जान कर ज्यादा जब चिपटे। अरे पता नहीं ऐसे क्या बोल दिया मैंने, तो मुझे डांट के ही भगा दिया। आगे से नहीं जाऊँगा, साले क्या
कहता है एक साल तक थोड़े पुराने दिल्ली में तुझे सोनी नहीं होगी। खुद तो साला सरकार की ज़मीन पर कब्जा करके हराम के पैसे खा रहा है। सही है, हम लोगों का घर बन गया, अब सो तो पाएंगे। सबसे अच्छा तो मैं गुफरान भाई के पास ही जाके सो जाता हूँ, वो तो मेरे मीना बाजार में ना सबसे अच्छे थे। शकील का ये है, झूठ बोलता और इसके अंदर सबसे ज़्यादा आलसीपन, ये सही है, इसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी खुद को हैंडीकैप मानता है। पता नहीं 5 मिनट के बाद वो क्या बोलेगा क्या नहीं, खुदा जाने। हो गया रखा हूँ, जैसे कोई बहन का नहीं प्लेट लेगा ना, उससे ना बाहर में मार दूंगा प्लेट देख लेना, उसी का बाप का नंबर लिए जो धोखे रख दूंगा बहन का। अब तो भाई की मैं भी शुरू हो गई होगी, भैया लोग चार भाई के लिए जो है ना क्या क्या नहीं करते हैं, शाम होते ही जो है ना कुत्ते की तरह आकर बैठ जाते थे। भाई का मूड हुआ तो सस्ते में ही दे देते चार भाई, या नहीं तो फिर तस्वीर जैसे होती बार पे उनकी निगाह में शहर में अमन अमान है, उनकी निगाह में शहर में अमन अमान है, लेकिन सड़क पे खून के ताजा निशान है, खून के ताजा निशान है, उनकी नजर में शहरों में अमन अमान है, लेकिन सड़क में खून के ताजा निशान है। वाह 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 माशाल्लाह, मेरे चाय में कब है जरा आप ताली बजा देना इसके बाद। ओ बच्चे बातों वाले चार भाई नहीं, चार भाई पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं है तो फिर लिहाज खत्म हो गया ना, फिर क्या करो, मरे मर जाएंगे गरीब आदमी। नहीं नहीं मरना नहीं, मरने पे भी तो 1,250 रुपये खर्चा हो, गरीब आदमी क्या करेगा भाई, काम तो आदमी मरने नहीं, 1,250 रुपये कौन खर्च करेगा भाई, रोटी पहले खाइए जना, लिहाज मिल जाएगा पहले रोटी खा के आइए। चाय के पैसे दिए इसको, निकाल के दूसरे बंदे को झटका मारो लेके रुपये ही नहीं कहीं चाचा, वो चाय के पैसे 14 रुपये कुछ है वो अच्छा यही लेके भागा कहते मैंने भूत देखा है जूली। हाँ
15 साल पहले तक मैं भी यहीं सोया करता था। यहाँ बिल्कुल एसी की तरह हवा आती है और बहुत अच्छा नींद आता है। यहाँ के अलावा सिनेमा में भी अच्छी नींद आती थी हॉल, और मैं अक्सर कई बार हॉलों में भी जाकर सोया करता था। पहले यहाँ बिल्कुल ही बंजर जमीन थी, मैंने उसे साफ करवाया, साफ किया खुद भी। उसके बाद एक VCR खरीद के लाया। शुरू में यहाँ 10-15 लोग ही आते थे, उसके बाद 20-25 आए। अब यहाँ पे 7-8 लोग आते हैं जो यहाँ आते फिल्म देखते हैं, बाहर सोते हैं और फिर अपने वापस मार्केट काम के लिए चले जाते हैं। संजय आया अपने 2 बच्चों के साथ, उसने दुकान खोली। लोग कहते हैं कि जैसे फिल्म के बीच में सो गए तो फिल्म बेकार है, बोरिंग है, ऐसा कुछ नहीं। मुझे हमेशा अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छी लगती है। मैं जिन फिल्मों में सोया हूँ याद भी उन फिल्मों का सीन याद है मुझे, और दिमाग में मिक्स हो जाता है कि कितना सपना है और कितना फिल्म का सीन है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सिनेमा में नींद से जागना, सुरक्षित सा लगता है। फिल्में सिर्फ देखने के लिए थोड़ी होता है, ये सिनेमा एक घर जैसा है। यहाँ लोग आते हैं, फिल्में देखते हैं, आराम करते हैं या रिलैक्स करते हैं। जब मैं पहले रिक्शा चलाता था तो अक्सर मैं रिक्शे पे ही सो जाया करता था। नफरत थी मुझे उनसे वहाँ सोने से, मगर लोग आते थे अचानक ही, चल भाई चल वहाँ चल, खड़ा हो, ऐसा। गरीबी का मतलब है कि आप अपनी थकावट कभी चुन नहीं सकते, आप सिर्फ रिक्शे वाले हो और कुछ नहीं। आपका वक्त किसी और का है और उस वक्त आपके शरीर के साथ क्या करना है वो कोई और तय करेगा। मैं इतना तो तय करूँ कि मैं दिन के कितने घंटे से सहूँगा और कितने घंटे नहीं सहूँगा। सिनेमा में जितनी देर जो मर्जी आप करो, 5 रुपए की 3 फिल्में हैं, आप वहाँ धक्के लगाने वाला या रिक्शे वाले नहीं हो, जो मर्जी बनना है वो बनो।
दिन में जो है ना भैया, इस जगह की ना शक्ल ही बदल जाती है, और दोपहर तक तो भैया मैं भी निकल जाता हूँ काम पे। जब आप बिल्कुल संगने हो जाते हो तो एक तरह से ऐसा लगता है कि आपको सुकून मिलता है, एक तरह से सांत्वना मिलता है, जितना गिरना था उतना आप गिर चुके हैं। अपना गणित शुरू हो जाता है, जब कोई अपना अगर उनके पास 20-30 रुपए पड़े हैं तो वो खाने का और सिनेमा के पैसे पड़े तो अंदर बैठा रहता है, और नहीं तो वो लोग धक्का इंतजारी के लिए चले जाते हैं या कहीं और जुगाड़ करते हैं। इंतजार करो कि कब खेला आएगा, लोग धक्का देंगे 5 रुपए के लिए सिर्फ। दिहाड़ी घंटे के अलावा काम करने के अलावा और भी बहुत कुछ है दुनिया में, सिर्फ पैसे कमी थोड़ी होती है। देखो गरीबी का मतलब होता है पूरी तरह इंसान नहीं बन पाना, आप समझ रहे हैं सिनेमा क्यों ज़रूरी है। ये जन्मदिन का दिन जो है ना मेरे लिए बहुत ही स्पेशलिस्ट है, काम पे तो आज जाऊंगा ही नहीं। पहले मैं विक्रांत भैया से नए कपड़े लूंगा, उसके बाद मैं नहाऊंगा। मुबारक हो जन्मदिन, थैंक यू। आज शाम को करते हैं पार्टी की बातचीत, ठीक है? हाँ, फिर मिलते हैं। हाँ हाँ, ओके बाय। ये करता है क्या? अरवान पाँच रुपये और दे सारे उसको बनाएंगे जब 15 रुपये ले, 5 रुपये लिया मैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ले ले 15 रुपया। अगर तार लेने बाद में आप पहले आकर जोड़े से
कार का कार वो कट गया। अबे यार तू कहाँ है पंगा, तूने वो उसे भेज दिया ताले ने बैग की पत्ती के जोड़ गया। जल्दी जा पूरी करा जा तू। अरे मुन्ना ले आ पिला दो भाई सलीम। आओ भाई इस पगला जाओ। जा इस पगला। आयो। उसका एक आदमी यहाँ आके सो गया था, इसकी वजह से ऐसा पुलिस ने हटा दिया। पुलिस तो बस ऐसा बोल रही थी, वो तो अभी शांति है। परसों जैसा लैंग्वेज इस्तेमाल किया मैं तो 11 बजे तक थाने में रहा। आप जो है वापस आ जाओ, मुझे छोड़ के जाएगा। गाड़ी भी छोड़ दे, गाड़ी छोड़ दे, गाड़ी ऐसे आ जाएगी बिल्कुल। गाड़ी बुलवा लो अंदर, काफी कीचड़ है, बहुत ज्यादा पत्थर उत्थर रखा हुआ। चाय मत दो यारेंगे, कुछ नहीं खाएंगे। अच्छा चाचा, इसको जब मैं लेके जाऊंगा वहाँ पे डॉक्टर पूछेंगे आपसे? डॉक्टर कुछ नहीं पूछेंगे, आप सिर्फ उनको छोड़ के फिर गाड़ी के साथ आ जाए। तो तुम्हारे साथ इस दुनिया में ये कोई नहीं है इनके साथ, वो गाड़ी खुद आ रही है लेने के लिए, ठीक है? और आप कौन है? आपको क्या काम है? आपका क्या काम है? आप जाओ बैठे जाओ। उधर काफ़ी कीचड़ है, थोड़ा भी नहीं चल पाता है। थोड़ा इसको ये पकड़ लेगा ना, थोड़ा पकड़ कोई नहीं, हम भी पकड़ लेंगे। एक साइड तुम पकड़ लो, एक साइड हम पकड़ लो। चलो अब हो जाए, उठने की कोशिश करो बेटा, थोड़ा चल पाओ यार। भाई गुफरान मैं बताता हूँ, गाड़ी आ जाएगी, चलो। हाँ पीछे से चाचा, टेंट के पीछे से। जरा रास्ता बताइए, लेके आइए गाड़ी में, ये घुमा लो, घुमा लो भैया, ये 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 घुमाओ यही पे। अरे घुमा रहा यार। क्या हुआ भाई? पैर में दर्द हो रहा है और चल पाता भूख लेता है, लाइट लूट कर दो तो दर्द हो जाता है। रोटी मजा आता है रोटी खाने में? हाँ। तो और बस दर्द होता है। पकड़ो बाबा। अरे यार इसके ऊपर रुक जा एक मिनट, कंबल उम्बल है यार पूरा गीला। कंबल तो पूरा गीला है। अरे किसी से ले लेता हूँ, हो सकता कंबल सही हो जाएगा। तू डर मत, तू आराम से जा।
ठीक हो जाएगा पागल है पटरी लाइन में देख कोई किसी का नहीं है भाई खड़े हो यार पकड़ लो यार इतने सारे कुत्ते भी बोल रहे याकूब भाई मैं यार आपने नहीं उठाया जितना गर्मी आ गया बॉलिंग करने में सोने लगा उसको ठंड तो लग रहा है कर रहा है भैया अच्छा आप इंसान हो वो नहीं है ये इंसान नहीं है जानवर इंसान है जानवर है ना ये दरी बिछा दे भाई अगले जन्म में तुमको अपनी प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी के बीच में फर्क होता है सिर्फ नींद किसी भी जगह अगर चार पांच दिन तक आप सो जाओ तो उस जगह से लगाव सा हो जाता है लोहा पुल हजारों हिस्सों में बटा हुआ है जहाँ लोगों ने अपनी चीजें समेट कर रखी हुई है
ये लोहा पुल यहाँ कभी बहुत फेमस सोसाइटी, यहाँ लोग आते थे जब अक्सर जमुना में कूद जाते थे, यहाँ सोने वाले बचाते थे या हम बचाते थे, और आज तक मैंने लगभग 1000 डेड बॉडीज ऊपर निकलवाई। कई बार यहाँ लोग सो रहे होते हैं और लोग सुसाइड करने आते हैं, कूद जाते हैं, तो सोने वाले को ही अगर कह दिया गया भाई अगर वो तैरने वाला हुआ सोने वाला तो कूद को से बचाता है, कई बार बचाया। सोनक भाई अब सोच के देखो, ऊपर शहर है, गाड़ियाँ तेज चल रही है, लोग धक्के लगाने के इंतजार में खड़े हैं, नीचे पानी है, बहुत लोगों के लिए मौत है, और इन दोनों के बीच में हम सोते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर उपजाऊ होता है, घास की तरह, फूल सब्जियों की तरह, और दिमाग बेहतर काम करता है, और दिल जो है कि पूरे शरीर में सही तरीके से खून फैलाता है। नींद एक तरह का पोषण है, सोने वाला खुद को खा रहा होता है और खुद को ही पचा रहा होता है। रात को हम निगलते हैं, कोई मरा हुआ आदमी थोड़ी कह सकता है कि मैं मरा हुआ हूँ, तो सोया हुआ आदमी कैसे कह सकता है कि मैं सोया हुआ हूँ। नींद जो है ना वो स्थिर नहीं होती, नींद में लय होती है। जब कोई सोता है तो छाती ऊपर नीचे जाती है, सांस बाहर आती है अंदर जाती है। सोना तो एक ताल होता है, दुनिया में हर पालना ऐसा क्यों होता है जो एक ताल पे हिलाया जा सकता है। नींद में आदमी उन जोड़ों के बीच लय में होता है, जैसे कि अंदर और बाहर, रोशनी और अंधकार, होना और ना होना। Thank you.
यार, बंद कर इसको यार, बंद कर ले यार इसको, खराब हो रही है भैया। कल रात को पी गया था ना, उल्टी हो रही है, दस्त हो रहे हैं, सर चक्कर आ रहा है, बदन दर्द हो रहा है। सोच रहा हूँ भैया कि घर चला जाऊँ। कल बारिश में भीग रहा था ना, तो अली अब्बास को देखा था ना, बैठे बैठे लेटरिंग कर रहा है, उसको एक एम्बुलेंस आके ले गई। शायद मेरी भी मौत ऐसी होगी। देखता हूँ भैया, यदि सोने की जगह हो गई तब तो देखता हूँ, पहले कई जगह सोया हूँ ना, वहाँ जाके देखता हूँ, नहीं होगा तो कल सुबह चला जाऊँगा। देख लो परस पे कैसे सो रहे हैं, ऐसे परस पे तो आधे लोग मर जाएंगे, मर जाते हैं ठंड में। यहाँ नहीं सोऊंगा, देखता हूँ टेंट में जाकर जो जगह मिल जाए तो वहाँ सो जाऊंगा। दो साल पहले ना मैं यहाँ पे सोता था, देखता हूँ यहाँ पे सोने की जगह मिल जाएगी तो सो जाऊँगा, लेकिन जो है ना यहाँ पे डर बहुत लगता है, पार्किंग वाले पकड़ते हैं ना तो बहुत मारते हैं।
यहाँ सही है? यहाँ पे सही है, डर डर से लग रहा है, नींद आएगी भी है ना। पार्किंग वाले मारेंगे यहाँ पे, पकड़ते हैं तो बहुत मारते हैं यहाँ पे पार्किंग वाले। शांतिवन में खुला आसमान है, वहाँ पे ओस गिर रहे होंगे, ठंड लग रही है वहाँ पे, वहाँ पे ठंड लगती है, ओस गीले होंगे। बंद कर दिया, पहले खुला रहता था, ठंड बहुत लग रही है, हालत खराब हो गया, पैदल चलते लगे। किया हो गया मीना बाजार में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। हाँ भैया यहीं सोऊंगा, आप लोग रुकोगे? हाँ थोड़ी देर रुकूंगा। ठीक है फिर, मैं भी सो रहा हूँ, पर आप लोग तो भैया खाली शूट ही करते हो, मेरा तो कुछ करते ही नहीं। क्या हुआ अभी? पीछे से पानी छोड़ रखा है बहुत ज़्यादा, और पानी मतलब आधे घंटे में आ जाएगा यहाँ। अच्छा कहाँ फ़ोन है अभी? हाँ जी फ़ोन आया था पीछे, सेंट्रल वाटर कमीशन वाले ने फ़ोन करा था, और ये बहुत जल्दी यहाँ पानी आ जाएगा यहाँ। तो अभी क्या हटाने वाले हो? हाँ मतलब आधे घंटे में हटा लेंगे। फटाफट सारे रजाई वगैरह ऊपर को पानी आ रहा है, पीछे बहुत ज़्यादा पानी छोड़ रखा है, इसको ऊपर रखो सारा, उठा दे फटाफट, उठा ले, उठवा उठो सारा ऊपर रख, ऊपर रखवा, ऊपर रखवा बना। सलीम सामान समेट भाई सारा ऊपर रखवा, रजाई को पानी आ रहा पीछे बहुत ज़्यादा, समेट भाई इसको, समेट भाई मोटे भाई फटाफट समेटो, ऊपर रखो ऊपर, ट्रंक में डाल दे सारा, ट्रंक में डाल दे, उसमें डाल दे सामान, रजाई को ऊपर रखवा, रजाई को ऊपर रखवा, ये टीवी भी बंद कर दे अभी, हटवाना पड़ेगा भाई, रात को जो भी सोए सावधान रहिए, पानी आ सकता है रात को, अगर पानी है पीछे हो जाना ठीक है, अगर रात को पानी बढ़ता है तो बाहर निकलना है नहीं, उधर घुसना हो जाएगा, समझ गए?
सामान हटा लिया और हम लोग अब उसको वहाँ सुरक्षित जगह पे ले गए, सारा सामान अपना ऊपर रख दिया हटा के। और हम अभी हैं यहीं पे, बहुत से लोग यहाँ नहीं हैं, चले गए यहाँ से। और संजय वगैरह जो है वो अपना, संजय ने कहीं और दुकान लगा लिया और अपने बच्चों को अपनी बुआ के यहाँ भेज दिया। 15 दिन तक पानी रहेगा, 15 दिन की परेशानी है। उसके बाद फिर हम नीचे जाएंगे और फिर वापस हम वहीं सोएंगे साथ में जहाँ रहते थे पहले। फिर से हम अपना सारा जुग्गी वगैरह तैयार करेंगे। जब तक हम साथ में हैं, एक जगह रह रहे हैं, सो रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती, ताकि हमारा ग्रुप। पहले मैं जिस इलाके में रहता हूँ मुसलमान इलाका है, तो मैंने ये फैसला किया, मैंने जब दिल्ली में जब उस इलाके में रहना शुरू किया तो मैंने ये सुना यहाँ पे मुसलमान आदमी ज़्यादा है और यहाँ पे हिंदू की वैल्यू कम है। इससे बढ़िया मैं अपना नाम ही बदल दिया, मैंने अपना शकील मेरा नाम रख लेना, सबसे बढ़िया होगा। ये सामने जो मंदिर दिख रहा मैंने जब शादी किया था, जब मैं लड़की को भगा के लाया था, तो इसी मंदिर में मैंने शादी किया था सबके सामने। पापा तो है। एक्सपर्ट हो भाई, ताला तोड़ लेने दे, देख लो थोड़ी दिया, एक ही झटके से। प्यार से तन्हाई जैसे कि मेरी बीवी से मैंने लड़ाई कर ली, तो मेरे मन को तसल्ली करने के लिए मैं दारू पी लेता था, सो जाता था। मेरी बीवी ने मुझे बोला कि जी मीट ला दो, मीट बनाऊंगा, तो मैंने ठीक है मैं शाम को ला दूंगा, मुझे डर गया नहीं, मुझे अभी चाहिए। मैंने गुस्से में मैंने उसको, तेरा बाप का ये घर नहीं है, तेरे पति का घर है, ठीक है, तेरा पति तुझे नमक रोटी खिलाएगा तो वही खाना पड़ेगा। तो कह रही नहीं मैं पापा के पास जाऊँगा, मैं गुस्सा आ गया, पकड़ के मैंने यूँ मारा उस घर किचन में मारा, तुझे रोने लग गई, पापा दौड़ के आए। एक बार मारा, दो बार मारा, बहुत बार मारा मैंने, बाल पकड़ के दीवार में मारा, बेलना दाल घटनी जो दाल जो घाटते हैं ना, तुम्हें तो आप तो जानते हो ना हुए दाल घटनी, उससे मारा था। फिर पापा को मैंने लकड़ी से मारा था। जब से मारा हो तब से पापा मेरे से थोड़ा पिछड़े हुए रहते, नींद मुझे पसंद है लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं होती, नींद को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। पापा कभी न्यू बोगाई गाँव, कभी इधर
कभी उधर हर जगह अलग अलग जगह ड्यूटी बांट रहे ना पापा जी। इसके लिए मैं कल डिसीजन लूँगा पापा से, मैं कल डिस्कस कर लूँगा इस बात से कि पापा आप यदि मुझे नौकरी दे रहे हो तो मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा, ये नौकरी नहीं दे रहे हो तो मैं वापसी चला जाऊँगा, और आप फ़ोन करोगे तभी फिर भी नहीं आऊँगा मैं, कल मैं फाइनल डिसीजन लूँगा पापा से। मैं तो लड़के भी ले लेता। कैसे क्या? मैं ले लेता, मैं सीधे में बोल रहा, इतने दिन पैसे मेरे को कहा मुझे चाहिए, अगर बोलते अगर बोलते खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया तो आप समझो आप सैलरी से दो मुझे, बैंक अकाउंट से निकाल के दो मुझे। नहीं है। नहीं है तो क्या होगा, फिर मैं दोबारा आऊँगा भी नहीं, मर भी जाएंगे फिर भी नहीं आऊँगा मैं, मर भी जाएंगे ना फिर भी नहीं आऊँगा मैं उस चिता में अग्नि देने के लिए, नहीं आऊँगा सोचूंगा मेरा कोई है ही नहीं। मेरे पापा ना, मेरे पापा कुछ खाएंगे ना तो ऐसे करेंगे, ऐसे करता रहेगा। यदि पापा को यदि आपने यदि बोल दिया कि अजय जी आगे पियोगे, हाँ पी लेंगे, लेके आइए आप, हम पीने के लिए तैयार है। बता दे पिला दिया इंग्लिश, उसके सामने तो बड़े बड़े अफसर फेल, व्हाट टू डू एंड फूल, क्या क्या बोलते पापा, पापा को ही समझ में आता, हमें तो कुछ आता भी नहीं था। हाँ उठा भैया, सब आए ले मदद, किवन दिन हो गए थे, हाँ एक माह होने को मैं डेटा यार, क्यों क्यों ही करी ऐसे ड्यूटी में, इन्हें ऑफिस होते ऐसे ड्यूटी जाने दिया नहीं, जो भी मौज जो करीब हो विसर डेटा जगह लेकिन वो और बाबा उठ के तो बैठो। अरे बैठे ना कुर्सी पर। हाँ बैठ रहा हूँ, भैया लोग आए हुए हैं ना, बैठो भैया के बैठो, बैठने के लिए बोलो। यदि आप मेरे नाम पे यदि नौकरी करते हो तो मैं यहाँ रुक जाऊँगा, नहीं तो मैं फिर दिल्ली चला जाऊँगा। आज तो कहे ना बोलेगा, बचपन में तो 5 दिन का मैंने जन्म लिया, माँ मर गया, इसको सर्वस वाला दूध पिला कर पोसा, क्या पानी खाओ जाओ, अब हमारा पैसा उसे नहीं है, हाँ देव धर क्या है अब इसको दिमाग आ रहा कि बाप तो ककन मने, हमको बहुत मने घाटों में रोसा क्या जी है, फिर रोसा है फिर होता है, लो लो पूजा कर करना की जब उसको जब भी तला लेकर नया मार देना। हटा दिया गया वो सारी चरपाइयाँ, यहाँ आ गई वो लोग परेशान होते कि इसे कहाँ ले जाएं, मैंने कहा चलो ठीक है यहाँ रख लो आप, लेकिन यहाँ चरपाई लगाओगे नहीं, और लगाओगे तो यहाँ 40-50 रुपये किराया नहीं लेना है, यहाँ अगर 20 रुपये में वो चरपाई गद्दे रजाई सब दे दो सोने के लिए तो ठीक है, वरना आप चरपाई नहीं लगाओगे। तो उन्होंने कहा हम सोचेंगे, मैं ठीक है जब आपका फाइनल हो जाए तो आप लगाना, वरना यहाँ लगेगा नहीं, 20 रुपये ज़्यादा लगेगा। लेट हो गई।
मैं मुगल सराय जब पहुंचा ना तो गाड़ी 2 घंटे लेट पहुंची। अच्छा, ऐसे ही लौट गया हूँ घर पे, दिल्ली लग रहा, मंडी लग रहा वहाँ पे। हाँ, सो पा रहा हूँ, पापा के साथ ही सो रहा था, लेकिन हटाओ। जगह नहीं है मेरे पास, लेट हो गया मैं, नॉर्थ ईस्ट लेट हो गई ना, 4 घंटे लेट आई है गाड़ी, तो मैं 6-7 बजे पहुंच जाता यहाँ। मैंने कह दिया तुझे ना, जगह नहीं है हमारे पास, फिर कैसे सुला लूँ, खुद मैं बाहर बैठा हुआ हूँ सर्दियों में, जगह गुंजाइश होती मैं बाहर बैठता। मौलाना साहब जी कहाँ गए? मौलाना साहब की नाइट ड्यूटी नहीं होती, हमारी होती ड्यूटी। तो ये कैसे सो रहा है, इसको उठाओ, मैं यहाँ पे सोता था, आपको भी बताया। मेरा कोई रिजर्वेशन थोड़ी है, तू जा यहाँ से। तू जाना कहीं और, चांस देखो, जाओ। जमान भाई के चार पाई भी हटा दी। सब कुछ बदल गया यहाँ पे, पता नहीं भुगतान भी होंगे या नहीं। शकील, शकील कब? अच्छा भैया भी आया। हाँ अभी आया हूँ नॉर्थ ईस्ट से। क्या हो गया तुम? अरे मत, बवाल हो गया रात तक, पुलिस वालों ने काफी हंगामा किया, जमाल भाई का चारपाई ठेया सारा पटरी पे, अभी किसी को सोने नहीं दे रहे, सारी दुकानें। नहीं सुला सकते, तुम्हें मालूम है ना रूल क्या है जगह। काफी देर हो गया ना, बाहर सोने भी नहीं दे रहे। सुला लो, क्या ये सुला लो लगा रखा है यार, तुम्हें बताया नहीं, समझाया नहीं क्या? समझ गया, लेकिन भैया मेरे में तो प्रॉब्लम समझो, मुझे भी तो कुछ मेरी समझो, इतने ठंड में कहाँ जाऊँगा रात को, बता। तुम्हारे पास पैसे हैं? पैसे दीजिए मेरे को। मैंने बोला रात को बैठ के गुजारूं।
सुबह 5 बजे निकल जाऊंगा। सोच रहा हूँ पैसे भी लिए जेब में, पैसे का कुछ जुगाड़ करके घर निकल जाऊंगा।